हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन तड़के वाली दाल। तो इसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन और जीरे को कूट के लिया है। तो अभी मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल, उसमें मैंने डाला है राई, ज़ीरा, और जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इनको डाल के हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि हमारी हरी मिर्ची जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने लंबा लंबा काट के लिया है तो वो हम इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अभी इसमें मैंने डाली है आधी छोटी चम्मच हल्दी, और उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है लहसुन और जीरा जो मैंने कूट के लिया है दर दरा सा, तो वो हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे। इनको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। ये तुअर की दाल है जिसको मैंने कुकर में 3 सीटी लगा के पका लिया था। तो दाल डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको इसमें पानी ऐड करना है। आपको जितनी दाल गाढ़ी चाहिए या पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और दाल को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आपको बीच बीच में दाल को अच्छी तरीके से हिलाते रहना है जिससे कि ये जो दाल है वो अच्छी सी गाढ़ी बन जाए। अभी मैंने यहाँ पे आधा टमाटर ऊपर से काट के डाला है। आप तड़के में भी प्याज के साथ डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ऊपर से डालेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो अभी इसमें हल्का हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप देखिए कि हमारे दाल में कितना अच्छा उबाल आ गया है और ये दाल अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हमारी जो दाल है वो परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। तो आप भी इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये दाल कैसे लगी। आपको बस इसको 5 मिनट के लिए ही पकाना है और दाल एकदम रेडी हो गई हो जाएगी।